हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं वाराणसी, महाकाल के नगरी चल रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे। एक्चुअली में हमारा प्लान था रोहतास जाने का, लेकिन वहां का मौसम अभी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप निकल रहा है, इसीलिए हम लोग अचानक से 8 बजे प्लान किए कि चलेंगे वाराणसी। तो बनारस चलते हैं, फिर थोड़ा वहाँ आप लोग को भी दिखाएंगे और मजा करेंगे बनारस में, काशी समझ रहे हैं ना, घाट घूमेंगे पूरा। तो दिखाते हैं, ट्रेन अभी आने वाली है हमारा हिमगिरी एक्सप्रेस, तो चलते हैं आपको और ले चलते हैं बनारस की तरफ आपको भी। तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो चलते हैं फिर अंदर, हम दिखाते हैं आपको हमारा सीट कहाँ है अंदर में। तो यहाँ सामने में मेरा सीट है जो 13 नंबर है, और 16 नंबर अंकेश का है, लेकिन एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे, हम जाएंगे 16 पे, अंकेश आएगा 13 पे। तो अभी हम लोग बनारस के नजदीक पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद बनारस का ये स्टॉपेज है, तो अप्रोक्स 50 मिनट या 55 मिनट लग सकता है हम लोग को काशी पहुंचने में। फिर वहां पहुंचेंगे, फिर वहां का भी व्यू दिखाएंगे अभी हम आपको। ये है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इसका व्यू दिखाते हैं अभी हम आपको। 50 मिनट और से ज़्यादा लगने वाला नहीं है हमको बनारस पहुंचने में। सही है, ट्रेन का यात्रा सही लगा, क्योंकि 4 घंटे का समय ट्रेन ले रही है हम लोग को पटना से बनारस पहुंचाने के लिए, तो बहुत है। अगर बाइक से हम लोग जाते तो बहुत ज़्यादा समय लगता, कम से कम 6 घंटा समय हम लोग को लग जाता वहाँ पहुँचते। फाइनली अभी हम वाराणसी जंक्शन पे आ चुके हैं, आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है बनारस का। तो यहाँ से अभी हमारा दोस्त नीतीश आ रहा है, तो चलते हैं उससे मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है मिले हुए, अप्रॉक्स 2 साल हो गया है मिले हुए, तो उससे मिलेंगे और फिर शाम को घूमेंगे पूरा बनारस, तो वहाँ का भी ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे पूरा। अंकेश भी आया हुआ है, अभी हम आपको उसको दिखाएंगे, अभी शायद आप वीडियो में भी उसको अभी तक नहीं देखे हैं, छुपा रुस्तम है, पूरा ट्रेन में सो के आया है मस्त एकदम, तो नींद में है तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है चेहरा, फिर हम उसको भी दिखाएंगे अभी आपको। ये देखिए, यहाँ से हम आ चुके हैं बाहर वाराणसी स्टेशन पे, एग्जिट कर चुके हैं बाहर की तरफ। तो अभी हमारे साथ आ चुके हैं हमारे प्रिय मित्र, जो ग्रेजुएशन के समय से हम आपको बताए हैं कि नीतीश है, तो अभी पूरा इन्हीं के साथ बनारस का तांडव होने वाला है पूरा एकदम। 5 दिन का छुट्टी लेके आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब 5 दिन, दिवाली के 1 दिन पहले हम लोग को जाना है, तो 5 दिन में पूरा बनारस का गली गली घूमेंगे और पान खाएंगे बनारस वाला। अरे बनारस की गलियाँ एकदम, यहाँ रस बहुत ज़्यादा है बनारस में, अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ रोड का सीन, पूरा एकदम रस भरा हुआ है। अभी हम यहाँ डेरा ही चल रहे हैं, जल्दी से पहुँच जाएँ, क्योंकि 4 घंटा लगा है हम लोग को आने में यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्त के फ्लैट पे यहाँ पे, तो मिलते हैं फिर से थोड़ी देर बाद आप लोगों से। ये देखिए, ये जस्ट नीतीश के हॉस्टल के जस्ट बगल में ये ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे सामने में हॉस्टल है उसका। मंदिर दिखा रहे हैं हम आपको, ये भोलेनाथ का एक छोटा सा
ये देख रहे हैं मूर्ति रखा हुआ है, तो आप सोच रहे हैं कि क्या दिक्कत है, हम क्यों दिखा रहे हैं। तो ये मंदिर मतलब कैंपस के अंदर है और यहाँ जब एग्जाम का दौर चल रहा है तो आप देख रहे हैं बच्चों का पूरा एकदम मतलब सर पटकना यहाँ चल रहा है भोले बाबा के पास कि आप ही अब सब है, क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा महाकाल पे ही सबको भरोसा है। तो अभी हम लोग खाना खा के बाहर घूमने निकले हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होगा, क्योंकि कल हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे 80 घाट का जो बनारस का है उसका पूरा व्यू दिखाएंगे। तो उस ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।